नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अपने साथ कुछ साइड इफेक्ट्स लेकर भी आ रही है। जी हाँ, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम के बारे में तो आपने सुना होगा। अब पुराने तरीकों को छोड़ दिया जाए तो कुछ नए तरीकों से भी लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। जी हाँ, कई बार यूजर से ओटीपी मांगा जाता है और कई बार तो बिना ओटीपी के ही स्कैम हो जाता है और बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। आज हम आपको जिन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी मदद से आपको ये समझने में आसानी जरूर होगी कि आखिर स्कैम से कैसे बचा जा सकता है और कुछ टिप्स सरकारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि CERTN की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। वहीं साइबर क्रिमिनल्स पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में ही एक ऑनलाइन संदिग्ध रजिस्ट्री भी लॉन्च की है। इस रजिस्ट्री में 14 लाख साइबर अपराधियों का डेटा है जो साइबर और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल है, जिसकी मदद से साइबर पुलिस इस मामले में डिटेल रिसर्च कर पाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। ऑनलाइन फ्रॉड का दायरा बेहद बड़ा है और आप भी इस दायरे से बाहर नहीं है। ये समझ कर चलिए कि आपकी एक गलती आपको इसका शिकार बना सकती है। जी हाँ, रोजाना हजारों लोग ऑनलाइन जालसाजों का शिकार होते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा बिना कोई रिपोर्ट कराए ही रह जाते हैं या फिर रिपोर्ट करवाने में देरी कर देते हैं, जिससे उनका डूबा हुआ पैसा मिलने की संभावनाएं कम होती जाती है। आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपके पैसे डूबाने से बचा सकती है। जी हाँ, CERTN की तरफ से OTP फ्रॉड की चेतावनी दी गई है। एजेंसी ने कहा है कि बीते दिनों ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए जिसमें यूजर्स को OTP मांगकर उनका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। साइबर क्रिमिनल्स की तरफ से लगातार यूजर्स को टारगेट भी किया जा रहा है। CERTN की तरफ से लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। एक छोटी गलती की वजह से स्कैमर्स के हाथों में लोगों की पूरी बैंक अकाउंट डिटेल जारी है। स्कैम से बचने का एक ही तरीका है कि आप OTP किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर आपके पास कोई भी ऐसी कॉल आए जहां निजी जानकारी मांगी जाए तो इसे भूलकर भी किसी के साथ शेयर ना करें। सबसे सुरक्षित तरीका है कि आप ऐसी कॉल का जवाब ही ना दें। अब सवाल उठता है कि आप स्कैमर्स को कैसे पहचानेंगे, तो बता दें साइबर क्रिमिनल्स यूजर्स को टारगेट करते हैं, बैंक के टोल फ्री नंबर होने का दावा करते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स को हैक करते हैं जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के हों, कई बार नकली पुलिसकर्मी बनकर भी लोगों को कॉल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर OTP नंबर से या किसी और तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आपको एक काम सबसे पहले करने की जरूरत होती है और वो है ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत करना। जी हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड को रजिस्टर करने के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल पर शिकायत करने के बाद यहां मौजूद अधिकारी आपको खुद फोन करके अपराध से जुड़ी हर जानकारी मांगते हैं और कार्यवाही करते हैं। वहीं अब साइबर क्रिमिनल्स पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक ऑनलाइन संदिग्ध रजिस्ट्री लॉन्च की है। इस रजिस्ट्री में 14 लाख साइबर अपराधियों का डेटा है जो साइबर और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल है। अधिकारियों के अनुसार ये रजिस्ट्री राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय जांच और खुफिया एजेंसियों की ओर से एक्सेस की जा सकती है। इसका मकसद ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है। इससे जुड़े जो आंकड़े बताए गए हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। NCERP को साइबर धोखाधड़ी के संबंध में रोजाना औसतन तकरीबन 67,000 कॉल आती हैं। 2021 से I4C ने लगभग 8,50,000 पीड़ितों से संबंधित 2,800 करोड़ धोखाधड़ी की राशि बरामद की है। केंद्र सरकार के मुताबिक पोर्टल पर 171 मिलियन साइबर पीड़ितों की ओर से लगभग 4 मिलियन से ज्यादा साइबर शिकायतें दर्ज की गई हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए I4C नाम का एक खास संगठन बनाया है। इसका मकसद है कि पुलिस और जांच एजेंसियां मिलकर साइबर क्राइम के खिलाफ काम करें। साल 2019 से 2024 के बीच साइबर क्राइम के मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। 31 अगस्त 2024 तक कुल 47 लाख शिकायतें दर्ज हुई, जबकि 2023 में 15 लाख, 2022 में
9,66,790 शिकायतें दर्ज हुई। 2021 में 4,52,414 और 2020 में 2,57,777 शिकायतें दर्ज हुई। 2019 में केवल तकरीबन 26,049 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इसमें सबसे ज्यादा शिकायतें लगभग 85% ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ी हुई हैं। बहुत से लोगों को ऑनलाइन निवेश, गेमिंग ऐप, एल्गोरिथम में हेयर फेयर और अवैध लोन ऐप, अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल और ओटीपी फॉरवर्ड करके ठगा गया है। देखा जाए तो आज की डेट में ऑनलाइन फ्रॉड की मदद के लिए बेहद जरूरी है कि आप लोग पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि ये समझना होगा कि कोविड-19 के बाद गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, ये गोल्डन एज कई दशकों तक रहने वाला है। लोगों को समझना होगा कि वो अपनी जानकारी को जरूरी होने पर ही किसी और के साथ शेयर करें, किसी अनजान शख्स के साथ किसी गलत जगह पर अपनी कोई भी जानकारी शेयर ना करें। दूसरी बात, अपनी पर्सनल फोटोज को पब्लिक डोमेन या सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, क्योंकि इससे भी अब अपराध होने का खतरा बढ़ने लगा है। अपने फोन को किसी के भी हाथों में ना दें। साइबर सुरक्षा को आपको अपने रूटीन में शामिल करना होगा, वरना ये जालसाज ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।